समीर जी, और शरद प्रधान जुड़ रहा है मुझे तस्वीर में नजर आ रहे हैं। शरद जी, स्वागत करती हूं आपका। अब क्योंकि किसान एक एकजुट वोट तो है नहीं, यूनाइटेड वोट है नहीं, मीटिंग हो रही है चंडीगढ़ में, होने वाली है, तो आज का सूरत हाल, और किसान कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस लेकर आओ नहीं तो दिल्ली कूच का नारा, जस का तस है, दिल्ली जाएंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल अभी जो उससे पहले आवाज बढ़ा आशुतोष दीजिए जी और जो शरद जी की। दूसरे वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने बात का बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है कि ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी, हेडेड बाय नरेंद्र मोदी, ये सिर्फ चुनाव सोच के ही काम करती है। और इसको अगर लगता है कि इनको वोट बैंक में कहीं से भी मामूली सा भी कोई झटका लग सकता है तो ये फौरन कंसीड कर देते हैं मांगों को, चाहे नाजायज भी हो तो भी कर देंगे, लेकिन यहां जायज मांग को भी नहीं करेंगे पूरी, क्योंकि इनको फिलहाल ये लग रहा है कि इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से अब और जगहों के किसान और खासतौर से उत्तर प्रदेश के किसान भी इसमें जुड़ने जा रहे हैं, जैसे कि इंडिकेशन आए हैं, उससे फिर इन्हें सोचना पड़ेगा। हालांकि ये कोशिश यही करते हैं कि डिवाइड, और वहां पे भी बातचीत के लिए भी जिन लोगों को बुलाया है बड़े सिलेक्टिवली बुलाया है, ऐसे लोगों को जो इजिली इनकी बातों में आ जाए। लेकिन मुझे इस बार भी उसी तरीके का, जिस तरह का दृढ़ निश्चय करके किसान बैठे हैं, मुझे लगता है अभी तो शुरुआत है, ये चीज, ये लड़ाई इनकी भी उसी तरह चलेगी। और शायद इस बार भी आखिर में हशर यही हो, जहां ये किसान और लोग जगहों के जुड़े और तहां सरकार का रुख बदलने की पूरी उम्मीद है। ये बाकी इनका जो रवैया है वो एक तानाशाह वाला रवैया है, एरोगेंस बहुत है, यानी कि ये वाला आंदोलन भी लंबा खींचेगा, ऐसा शरद प्रधान लग रहा है कि इन्हें लगता है कि हमने मांग मान ली तो हमारी, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आंदोलन खींचेगा लंबा। आशु, इस पर आपकी, इसका, इस पर आपका रिएक्शन, जिस तरह के इंडिकेशंस हैं, है ऐसा इंडिकेशन कि भाई लंबी चले नहीं, अगर माने आज ये बैठक फ्रूटफुल निकली तो हो सकता है ऐसा? नहीं, कम से कम जो पिछली बार का सबक है वो तो यही है, और इस बार भी किसान क्या क्या है, 6 महीने का राशन पानी लेकर आए। अगर आपको याद होगा तो पिछली बार जब आंदोलन शुरू हुआ था उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हम 6 महीने तक यहां बैठेंगे, और वो आंदोलन 1.25 साल तक चला था। तो देखिए, हमारे यहां एक जो दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि जो स्टेक होल्डर्स है उनको कॉन्फिडेंस लेके फैसले नहीं हो रहे, और इस वजह से नाराजगी होती है, और कोई कारण नहीं। मैं ही नहीं कहता हूं सरकार का फैसला गलत है, मैं सरकार के इस फैसले से पूरी तरह साथ हूं, लेकिन अगर आप डेमोक्रेसी के अंदर हैं तो आपको स्टेक होल्डर से बात करनी पड़ेगी और उनको कॉन्फिडेंस में लेकर फैसले करने पड़ेंगे। एमएसपी दिया जाना चाहिए आशु? नहीं, देखिए, मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि आज की तारीख में एमएसपी जैसी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के जो बाजार है, माफ करिएगा, हिंदुस्तान की कृषि को हिंदुस्तान के बाजार के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप एमएसपी भी लीजिए फिर आप ये भी कहिए कि हम बाजार का फायदा, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। जैसे इंडस्ट्री चलती है उसी तरीके से कृषि को भी चलना, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरी एक सुपरफिशियल राय मेरी ये है जी। लेकिन शरद कह रहे हैं कि ये सरकार वोट पॉलिटिक्स करती है, तो रामकृपाल जी कौन सी सरकारें वोट पॉलिटिक्स नहीं करती, जरा इतिहास पर भी मैं चाहती हूं दर्शकों का ज्ञानवर्धन हो जाए कि भाई यूपीए ने कौन सी, ये जो C2+50% की जो मांग है, लीगल गारंटी की मांग है, ये तो यूपीए के समय पर भी थी, नहीं हुई। देखिए गरिमा जी, मैंने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं। टिकैत ने जब आंदोलन किया था, वीर बहादुर सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, शरद भाई भी जानते हैं, और मैं गया भी था उस जगह पे। टिकैत ने तब मंच से एक बात कही थी, टिकैत ने कहा था कि मेरे सारे खेत ले लो और मुझे एक जो प्यून होता है बैंक में उसकी जो सैलरी होती है वो हमारे घर को दे दो, हमारे जितने परिवार के लोग हैं, और मेरे सारे खेत ले लो। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो 8 घंटे रहता है, मैं 12 घंटे 16 घंटे मैं स्टूल पर भी नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि एक कोई किसान आंदोलन आज पहली बार नहीं शुरू हुआ है। आपको याद होगा कि गन्ना की फसल इसी कांग्रेस रिजीम में जला दी जाती थी खेतों में, नासिक में टमाटर फेंके गए हैं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट तो 2006 में आ गई थी, आखिर वो क्या बात है, क्यों ऐसा है,
इतना आसान होता अगर ये बात मान लेना, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि कांग्रेस सरकार जो जन विरोधी थी, मैं कतई ये बात नहीं मानता हूं। नहीं रामकृपाल जी, तो ये तो हो सकता है ना, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बातचीत चल रही है। और नहीं, वो दिक्कतें, वो दिक्कतें फिर साफ करे सरकार। लेकिन क्या ये वाला पॉइंट ज्यादा वैलिड है क्या, क्योंकि इलेक्टोरली फर्क पड़ता नहीं है सरकारों पर, सरकारों को पता है कि किसान करेगा नहीं और इसीलिए आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है गरिमा जी, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये मत सोचिए कि किसान जो है पंजाब का किसान है, बाकी देश के किसान की कोई सिंपैथी नहीं है। मैं हमेशा एक बात को कहता हूँ, जैसे अभी है, हमें सच्चाई भी जाननी चाहिए। जितनी स्मॉल फार्मिंग है, स्मॉल होल्डिंग्स हैं, 2 एकड़ से कम की खेती कभी भी लाभकारी नहीं हो सकती। 2 एकड़ से कम वाला वो इतना गेहूं नहीं पैदा करेगा कि MSP के लिए जाएगा। बात इसकी है कि किसानों का एक बहुत माइनर ग्रुप है जिनकी होल्डिंग बड़ी है। और देखिए सच्चाई ये है, बिहार से चावल खरीद के पंजाब लाया जाता है और सस्ते दामों पर लाया जाता है, MSP मांगा जाता है। आपको पता है ये 50% से ज्यादा ऊपर MSP सिर्फ पंजाब में खपत होती है। क्यों भाई? नहीं तो फिर बिहार में मंडियां, फिर रामकृपाल जी ये सवाल भी है ना कि बिहार में मंडियां क्यों नहीं है, मंडियां बनाने की जिम्मेदारी किसकी? और ये जो एसिमेट्रिकल, ये जो एसिमेट्रिकल पूरा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, तो कोई बीजेपी की सरकार, एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट है बेसिकली, लेकिन बिहार में और केरल में राज्य सरकारों का भी कुछ होता है, केरल में मंडी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आशुतोष कुछ कहना चाहे, कहना की बात आसान नहीं है कि चार लोग बैठ गए मांगे के मोदी जी मान लें, ऐसा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन ये दशकों पुरानी मांग है राम कृपाल, ऐसा नहीं है कि ये इन्हीं 10 सालों में पैदा हो गई, उसके पहले भी किसान MSP पर मांग कर रहे थे। लेकिन आपके पॉइंट्स नए हैं थोड़े, आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि ये सवाल सिर्फ पंजाब के किसान का नहीं है। देखिए पंजाब के किसानों ने तो इस देश के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए थे ना, जब 1900 युद्ध के बाद जब भारत के ऊपर अन्न का संकट पैदा हुआ तो पंजाब के किसान ही आगे आए थे, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की थी और भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। तब यूपी के किसानों ने तो नहीं किया था या बिहार के किसानों ने तो नहीं किया था, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कहां के किसान आंदोलन कर रहे हैं। फर्क इससे पड़ता है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर कैसे उनको कॉन्फिडेंस में लेकर फैसले करती है। हाँ, ये सरकार जायज मांग है तो, अगर जायज, देखिए लोकतंत्र के अंदर सरकार को हमेशा लगेगा कि जो आंदोलनकारी उनकी मांग नाजायज है। सवाल मैंने कहा ना, ये वो सरकार है जो अपने करने के लिए मैंने किया इस पर फोकस करती है। अगर कोई और कर रहा होगा उसका क्रेडिट उसको, तो सरकार कॉन्फिडेंस में लेकर, ऐसा नहीं कि MSP बात मनमोहन सिंह के जमाने में भी प्रॉब्लम आई थी ना, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। और यही इस सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत है, ये सिर्फ मैं इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है, अन्यथा सरकार के फैसले इसमें 3 फॉर्म्स को लेके वो सही फैसला था। अगर सरकार नाराज थे तो इसलिए नाराज थे क्योंकि जबरदस्ती आपने संसद के अंदर कानून पास किया, तो कोऑर्डिनेशन ठीक है आशुतोष राशिद, तो ये कोऑर्डिनेशन का मसला है क्या कि भाई भूमि अधिग्रहण कानून खत्म कर दिया बगैर बताए, अब जमीन ले ली जाती है, अधिग्रहित कर ली जाती है, 70% किसानों की रजामंदी की जरूरत थी पहले, अब वो भी नहीं है, तो ये क्या सिर्फ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का मसला है? गरिमा देखिए, सबसे बड़ी जब आप कृषि की बात करते हैं तो कृषि में एक तो जैसा हम सब जानते हैं कि राजनीतिक दलों के दोहरे मापदंड होते हैं, वो सत्ता में जब रहते हैं तो दूसरा उनके मापदंड होते हैं और विपक्ष में रहते हैं तो दूसरे मापदंड रहते हैं। दूसरी बात ये कि किसानों का कोई लॉबी नहीं है राजनीतिक दलों में, धर्म की तरह उनके पास कोई इस तरह का वोट बैंक नहीं है जिसके आधार पर वो राजनीतिक दलों को इन्फ्लुएंस करें। और तीसरी बात जो इस डिबेट में नहीं आई है वो हमारे देश की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेसी का हमारा प्रोफाइल है वो एक किसान विरोधी है, इंस्टिंक्टिवली वो किसानों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाना चाहते हैं। और जब सरकार में आते हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह हो चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो ब्यूरोक्रेसी एक हावी हो जाती है और वो एक ऐसी रणनीति उनको ऐसे ऐसे नुस्खे बताती है जिससे किसानों से टकराव होता है। और ये सबसे बड़ी एक उसका एक बहुत बड़ा एक समस्या का एक मुद्दा है। और उसमें लोग क्या कहते हैं, राजनीतिक रूप भी उसमें गरिमा चलती है कि देखिए एक मतलब प्रदेश विशेष के लोगों में खालिस्तान की बात आ जाती है, उनके धर्म की बात हो जाती है, एक एनिमी क्रिएट किया जाता है पॉलिटिकल रिटॉरिक। बिल्कुल, लेकिन आपने जो बात कही रशीद वो मेरे जहन में थी कि पॉलिटिशियन, और मैंने शुरुआत में भी कहा पॉलिटिशियन, कॉरपोरेट, ब्यूरोक्रेट और इंटरनेशनल लॉबी। शरद आप सहमत है इस बात से कि किसानों की मांगों में के बीच में सबसे बड़ी अड़चन इसी लॉबी की है, कॉरपोरेट, ब्यूरोक्रेट, इंटरनेशनल लॉबी?
जिनके दबाव में सरकार और राजनेता रहते हैं, हमेशा रहे, इस बार भी है। शरद जी सुन रहे हैं आवाज मेरी? आवाज कट रही है मेरे, क्या मेरे से सवाल किया आपने? कुछ आवाज आपकी कट रही थी। यही मसला पेच यहीं पर है क्या? कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेट आपने मुझसे सवाल किया? लॉबीज शरद जी आप ही से पूछ रही हूं। अच्छा मैं पूछ रहा हूं, देखिए मेरा मानना बिल्कुल स्पष्ट है। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम सब लोग मिस कर रहे हैं कि सरकार ये जो एक बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बर्डन बता रही है कि इतना बड़ा बर्डन हो जाएगा अगर एमएसपी दिया, वो सरासर झूठ है। जो तमाम इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इस तरीके का बर्डन नहीं होने वाला है, और उसको जो एक भक्त मीडिया है वो उसको और मैग्निफाई करके दिखा रहा है। जैसे कि जो जिस तरह आपने सुना होगा कि कह रहे हैं कि अगर दिया गया एमएसपी तो गेहूं 400 रुपए किलो हो जाएगा, 300 रुपए किलो हो जाएगा, ये सब झूठ है, सरासर झूठ है। पहली चीज तो ये उनकी मांग में ये भी है एलिमेंट की अगर सरकार नहीं, जो जिस जो भी लेता है प्राइवेट प्लेयर्स भी उस रेट पे लेंगे। मुझे लगता है ये शक इस बात का होता है कि क्योंकि ये सरकार बहुत ज्यादा गाइडेड रहती है फाइनेंशियल मैटर्स में कॉर्पोरेट सेक्टर से, उन्हें लगता है कि उनको बचाना है, उनका धन बचाना है, कि अगर ये हो गया तो वो बेचारे कहां से देंगे। लेकिन तो जब सरकार को वही कॉर्पोरेट का दबाव, प्लेयर्स का, व्यापारियों का दबाव, उद्योगपतियों का दबाव है। संजय आपसे कंक्लूड कर रही हूं, आप इस बात से सहमत हैं क्या? और ये दबाव तो फिर सतत पहले भी रहा और सतत आगे भी रहेगा, और फिर ऐसे में किसान के लिए क्या उम्मीद बंधती है इस देश में? दोनों चीजें हैं गरिमा जी, कॉरपोरेट का दबाव और जो ब्यूरोक्रेसी, जो एक नई बात निकल के आई थी, तो ब्यूरोक्रेसी में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपैथी शायद दिखाई नहीं पड़ता है, और ब्यूरोक्रेसी तो वही बरकरार है, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार आए चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार आए। और कॉरपोरेट का दबाव वो भी उसी बात पर वो भी लागू होता है, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, कॉरपोरेट का दबाव तो हर जगह है। तो मुझे लगता है ये दो तीन चीजें हैं जिसके कारण, जिस तरह से इस मसले पर आगे मतलब चीजें बढ़नी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए या कोई एक नीति निकलनी चाहिए, वो निकल के नहीं आती और ये सब अड़चनें लगी रहती हैं। लगता तो नहीं है इस वक्त कि कोई बड़ा भविष्य दिखाई पड़ता अगर हम इन मांगों के बारे में कहें तो अभी तो मुझे लगता है ये अधर में लटका हुआ दिखाई पड़ रहा है 2024 के चुनाव के पहले तक। समीर क्या लटकाने की भी कोशिश है कि भाई अब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, तब तक के लिए थामे रखो? देखिए मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इस बार इस मामले को बहुत लंबा लटकाने की कोशिश में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आज की बैठक में दो या तीन मांगे जो है केंद्र सरकार, जो खबर आ रही है कि दो या तीन मांगे केंद्र सरकार मान लेगी और बाकी मांगों के लिए किसानों के साथ एक कमेटी गठित कर देगी और निश्चित कर देगी कि अगले 45 दिन या 50 दिन के अंदर इसमें हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार इसे लोकसभा चुनाव तक टालने की कोशिश नहीं कर रही होगी। सरकार नहीं चाहती कि यह मामला लोकसभा तक खिंचा रहे और इंटरनेशनल मीडिया पर इस बात की चर्चा होती रहे या बॉर्डर पर तनाव होते रहे और रोज लड़ाई झगड़ा तो मुझे लगा सरकार इस स्थिति में नहीं जाएगी। सरकार चाहेगी इस मामला का निपटारा हो जाए, सरकार कोई रास्ता निकालेगी। लेकिन मेरी तो सलाह है प्रधानमंत्री मोदी जी को, ये मतलब व्यक्तिगत तो सलाह भी देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी अपने कैंडिडेट को विड्रॉ करने के लिए एक फोन कर देते हिमाचल के कि भाई विड्रॉ करो, मैं देखता हूँ क्या करना है। तो देश के किसानों को भी एक फोन कर सकते हैं कि भाई आप विड्रॉ करो, आपका आंदोलन में देखता हूँ मुझे क्या करना है। चलिए प्रधानमंत्री सीधा अगर नोट पे समीर करेंगे तो मुझे लगता है कोई इतना खूबसूरत नोट पे आपने इसको कंक्लूड किया कि देश के प्रधानमंत्री ने कल भी राष्ट्रीय अधिवेशन में किसानों की बात की, आज भी अमित शाह ने देश के किसानों की बात की, तो जिस हिमाचल के फोन कॉल का जिक्र समीर कर रहे हैं तो ये भी एक उम्मीद बंधती है कि देश के प्रधानमंत्री अगर स्वयं किसानों से बात करें तो हो सकता है कि ज्यादा बेहतर, ज्यादा तेजी से इस मसले का हल निकल पाए। मीटिंग अभी मेरी जानकारी के मुताबिक शुरू नहीं हुई है, लेकिन इस बाबत तमाम अपडेट मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। और फिलहाल किसान ऑर्डिनेंस की मांग पर अड़े हैं और सरकार कमेटी बनाकर इस मामले को कुछ और दिनों तक टालना चाहती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। सबसे बड़ा सवाल